मैं बचित्तर सिंह, ग्राम वासी सरसवां, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। तो कुछ दिनों से मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बार भी मैंने अपने खेत पे वेस्टीज का एग्री 82 और एग्री ह्यूमक इनको इस्तेमाल किया था। और मैंने धान में सबसे पहले यूरिया में मिला के 200 ग्राम एग्री 82 डाला था, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो अभी मैंने एग्री 82 और ह्यूमक दोनों को मिला के एग्री 82 200 ग्राम प्रति एकड़ और एग्री ह्यूमक 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे की है। तो एक खेत में मैंने डाला है और एक में नहीं डाला, धान बिल्कुल सेम लगा हुआ है। और आपको धान अभी सुरिंदर सर दिखाएंगे, धान आपके सामने है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस में कितना डिफरेंस है, किलो में डिफरेंस है उसमें। पौधे में आपको देख सकते हैं कि ये देखिए, अब एक मिनट, अब हम आपको दिखाएंगे जिस धान में पड़ा हुआ है एग्री 82 ह्यूमक पड़ा है उसका, उसको किले देखते हैं कितने होते हैं, और जिसमें नहीं पड़ा है उसके किले भी हम आपको दिखाते हैं। सेम दिन का धान लगा हुआ है। चलो वीर जी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 31 30 किले निकले हुए जहाँ से। और धान लगे कितने दिन हुए हैं ब्रदर? एक महीना हुआ है आज, धान लगे एक महीना हुआ है। इससे आगे जो है पूरे का पूरा धान जो है उनको आप देख सकते हैं, ऐसे पूरे का पूरा, ये नहीं एक पेड़ नहीं है, पूरे का पूरा धान ऐसे। और जिसमें नहीं पड़ा हमारा एग्री 82, अब वो दिखाते हैं हम आपको, सेम दिन का धान है। और ये नहीं खाली एक पेड़ दिखाएंगे, उसका भी हम आपको पूरे जो है ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 किले हैं जी। और पेड़ देख लीजिए, और पेड़ के आगे बढ़ के कोई लग रहा अच्छा उसके गिन दीजिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 और 14 आए हैं, जहाँ पे डाला गया वहाँ पे 30 हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिकल हैं जी खेतों के ऊपर।